हेलो दोस्तों एंड स्वागत है एल्डन रिंग के एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में अपन कैसल मोन जो है बीपिंग पेनिनसुला के सबसे बॉटम वाले साइड में जो एक कैसल है उसे एक्सप्लोर करने वाले। तो ये वाले एपिसोड से पहले लास्ट एपिसोड में मैं ये स्टॉर्म हिल जो लोकेशन है उसे एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पे फिर स्टॉर्म हिल कैसल आता है एंड वहाँ पे अपना पहला मेजर बॉस फाइट है। तो कैसल मोन और स्टॉर्म हिल का जो कैसल है ये मैं साइड बाय साइड काइंड ऑफ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये जो एपिसोड है ये आपको हो सकता है वो फर्स्ट बॉस फाइट से पहले या आगे पीछे या बीच में कहीं पे देखने को मिल सकता है। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एल्डन रिंग में बहुत सारे साइड कंटेंट है एंड कुछ काफ़ी मेजर मेजर बड़े बड़े साइड कंटेंट है। जैसे लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमने एक अंडरग्राउंड एरिया पूरा डिस्कवर किया था, वहाँ पे एक बॉस फाइट था एंसेस्ट्रल स्पिरिट कर। वैसे ही कैसल मोन अपने आप में एक बड़ा सा लोकेशन है जिसके अंदर अपन को काफ़ी अलग अलग लूट वगैरह, एक इम्पॉर्टेंट लूट जिसकी मुझे तलाश है। गेम में टोटल 8 से 9 लेजेंडरी वेपन्स है एंड उसमें से एक अपना स्ट्रेंथ वेपन है ग्रेट सॉर्ड निकोलसल सॉर्ड एंड वो कैसल मोन के फाइनल बॉस के पास है। तो उसको मैं इसलिए उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे उसके स्टैट्स वगैरह पता चल जाए एंड फिर अपन उस हिसाब से अपने स्टैट्स बिल्डअप कर। बाकी एक साइड मिशन भी आप था, आपको याद होगा काफ़ी पहले जब अपन विपिन पेनिसुला में एंटर किए थे अपन को एक लड़की मिली थी जिसने अपने आँखों में ब्लाइंड फोल्ड बांध रखा था। उसने बोला था, उसने अपन को एक लेटर दिया था, मैंने बोला कि उसका जो बाप है वो यहाँ का कमांडर है एंड वो कैसल मोन में पीछे रुक गया है यहाँ पे जो अटैक्स कुछ हुए हैं उसको रोकने के लिए। तो उसको एक लेटर देने के लिए बोला, इसी क्या वो लेटर है क्राफ्टिंग में क्यों बिक रहा है? ये रहा इरिनास लेटर, लेटर एड्रेस टू द कमांडर ऑफ कैसल मोन डिपार्टमेंट। तो भरे पड़े ही है। वहां पे एक बड़ा सा बॉस या कुछ दिख रहा है ऑपोजिट, आई थिंक पंपकिन हेड है। पंपकिन हेड से अपन एक बार लड़ चुके हैं, इतने खतरनाक नहीं होते बस उनके। पंपकिन हेड्स के सिर पे ज्यादा डैमेज नहीं होता, वो बॉडी शॉट मारना पड़ता। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है लूट, मैं घोड़ा समन कर सकता हूँ। घोड़ा अगर समन कर सकते थे तो ये जगह आसानी से। ओके, एक्चुअली डैमेज मुझे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने जो एक इक्विपमेंट लगा के रखा है जो अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है। बेसिकली मेरा हेल्थ स्ट्रेंथ डेक्सटेरिटी एंड एंड्योरेंस ये सारे 3-3 से बढ़ाता है फ्री में, लेकिन डैमेज भी ज़्यादा थी तो ऐसे ये लोग मुझे ज़्यादा डैमेज कर। स्पिरिट समन कर आसान रहेगा तो अगर स्पिरिट समन कर दिए शायद। जेलीफिश कुछ कर क्यों नहीं रहा है?
जेलीफिश से ज्यादा अच्छा आई थिंक स्केलेटन्स होंगे एक्चुअली। सारे हैं एट द मोमेंट इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत मुझे तब पड़ेगी जब थोड़े से एक्स्ट्रा मेरे पास पॉइंट्स के ऐसे नहीं है एंड मैं तब अपना स्टैट बढ़ाना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं वापस इस पर स्विच कर लेता, मुझे लग रहा है अपन फालतू में ज़्यादा डैमेज ले रहे। बाद में मैं इस पर स्विच कर लूँगा जब मुझे कोई डेक्सटेरिटी, देखो मेरी डेक्सटेरिटी 12 है, 15 चले जाती है, कोई डेक्सटेरिटी थोड़ी सी वाली वेपन चलाना हो या फिर मुझे स्ट्रेंथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, अभी उसकी कोई ऐसी ज़रूरत लग नहीं रही है। अगर मैं फालतू में थोड़ा सा हार्ड बना दिया गेम, लेकिन ट्राई आउट करके देखना चाहता था इसलिए मैंने लगाया था। आउट कर लेते हैं स्केलेटन। वैसे मैंने सुना है वैसे एक और शाम है गेम में जो आपके मैजिकल एट्रीब्यूट्स आर्केन इंटेलिजेंस फेथ ये सब 3 से बढ़ाता है, लेकिन आपका ओवरऑल ये कम कर देता है, मतलब ओवरऑल डैमेज बढ़ा देता है आप जो भी, तो काइंड ऑफ सेम है। बट क्योंकि जो कास्टर होता है वो हमेशा दूर रहता है, मुझे नहीं लग रहा वो ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए उसको। ये एक्चुअली बिना चार्म के भी ये लोग अच्छा खासा डैमेज कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। सवाल ये है कि ये भी अपन इन्हें बाईपास कर सकते हैं, क्या छुपकी ऐसे निकल सकते हैं, ये देखने इनके पास कुछ लूट पड़ी है जो फाइनली बड़ी वाली छिपकली थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी। तू कैसे जिंदा रह गया, तेरे दोस्त लड़ रहे थे तूने देखा नहीं क्या? वेपन पे कुछ ना स्पेशल इफेक्ट्स डाल दे लाइटनिंग वाला। हैं लाइटनिंग वाला इतनी जल्दी खत्म हो गया? अच्छा मुझे लग रहा है मैंने दूसरा इफेक्ट एक्टिवेट किया। देखो इसके सर पे उतना ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। तू
किधर बैठा था? ये बंदा लिटरली वो पंपकिन हेड की गोदी में बैठा हुआ था क्या? वहीं से आया ये? शील्ड का वेपन आर्ट मुझे चीज का वो कैसल कितना बड़ा है, अपने आप में इसे एक्सप्लोर करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोला इसको भी अपन साइड बाय साइड कर आसान पड़ेगा। बटरफ्लाई मैं पहले भी कलेक्ट कर चुका हूँ बट इसकी यूजर्स नहीं पता क्या। ड्रिंक बटर यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, चलिए ये देख के आते हैं फिर उस वाले पे चले। क्लेमोर ओके पिक दैट आउट। अच्छा ये डेक्स 30 चाहिए। अच्छा मेरे पास जो पहले जो वेपन था वो इससे ज्यादा अच्छा था। ये सारी चीज में इससे ज्यादा अच्छा तो एफपी कॉस्ट भी ज्यादा है। लायंस क्लॉ वो है क्या? लायंस का स्किल ऑफ रेड मैन्स हु फॉट अलोंगसाइड जनरल रडान समरसॉल्ट फॉरवर्ड स्ट्राइकिंग पोज विद आर्नामेंट दैट कैन बी नाइस। इसका स्पेशल लायंस क्लॉ वाला है के लिए तुम ये यूज कर सकते। एक तो मैं डेक्स में एक पॉइंट डाल दीजिए। गिर गया ये पीछे वाला आई थिंक वो यस ये लगा अपन गिरने वाला। माइंड भी ऑल्टरनेटिव स्पॉट ऊपर जाने का क्योंकि वहां से भी सीढ़ियां ऊपर ही जा रही थी। एक तक में लड़ रहे थे ये। तो आई थिंक ये जो मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं ना इन लोगों ने अटैक किया कैसल पे एंड जो ये अपना क्या का कमांडर था वो गार्ड कर रहा है कैसल एंड ये उसी के सोल्जर्स लग रहे हैं। गेम में एक ऐसा चार्म है जो तुम बैक स्टैब करते हो या फिर ओ आयरन क्लीवर बैक स्टैब करते हो या फिर टर्न करने के बाद मारते हो तो तुम्हें 20% एचपी तुम्हारी वापस देता है। तो चार्म मुझे अभी तक मिला नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ उसे थोड़ा सा हंट किया जाए चेक करके कि उसका लोकेशन क्या है क्योंकि अपने जो ये स्ट्रेंथ वेपन की खासियत है कि नॉर्मल एनिमी स्टन होते हैं एंड स्टन करने पर एक थोड़ा सा लाइफ स्टील काफ़ी सही सुना लगता है। ये एक्स है 20 स्टार्टिंग एक्स से भी तो ये इसका ये कम है
स्केलिंग ई है। ओके ऐसे चला के छोटा सा है काफी। ऐसा क्यों होता है कि एनिमीज के हाथ में वेपन काफी बड़ा लगता है एंड अपने हाथ में छोटा हो जाता है, इसीलिए आई लाइक द मूव सेट जो है काफी फास्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव सेट है काफी ठीक है जी। एक्चुअली कैसल में कुछ यूनिक यूनिक सी चीजें मिल रही है। ये कॉस्ट फायर ब्रीदर, मतलब ये लगा के मैं फायर ब्रीथ कर सकता। फायर डैमेज 109, दैट्स नाइस। फिजिकल डैमेज कितना, 61 प्लस 3। मुझे पता नहीं था कि मशाल वाला वेपन होगा गेम में। स्टैट सुन के तो अच्छा लग रहा है। कुछ एनिमीज जो फायर के अगेंस्ट वीक है, अगेंस्ट डेफिनेटली यूजफुल स्पेशल लग रहा है। जहाँ पे कोई बॉस उड़ता हुआ आएगा क्यों बनाए कि यहाँ पे कुछ ही नहीं है, तो यहां से जंप ऑफ कर सकते। सेव पॉइंट मिल जाता। नॉट बैड, और मशाल मतलब तुम अगर अंधेरी लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हो तो इसे ऐसे वेपन भी यूज कर सकते। वेपन तेरी की इतने दूर दूर से इधर उतर नीचे कैसे अनोइंग से भी बने कुछ तो। फाइनली मैं उन्हें मार भी नहीं पा रहा, ठीक है वो वेपन ना खास नहीं, बट फायर वाले जो वेपन था वो एक्चुअली अच्छा ही है। काफी सारे नहीं पिंक स्पॉट एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं ये है उधर, बट अगर मैं उधर कूद जा तो पक्का मैं पक नहीं चलो, लेकिन वो रेस्ट वाले इंपॉर्टेंट है।
हो सकता है वो बचे हुए लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए मुझे वापस स्टार्टिंग से आना पड़े, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई आइडिया ही नहीं लग रहा, वापस जाने का कोई लोकेशन नहीं दिख रहा मुझे। ऐसे बस एक ही रास्ता है नीचे की तरफ। लग रहा है ये रास्ता कैसल को बाईपास करके जो छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे लेके जा रहा है हमें, कैसल एक्सप्लोर करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। क्या लेवल डिजाइन है ये भाई, ये हर एक जगह पे ट्रैप के ट्रैप। ये फटी हुई क्यों है? डी के पॉइंट्स हैं, ये मैं मिस आउट तो नहीं करना। यहां से भी जा सकता हूँ, वो यहां से मैं उस आइलैंड पे जा सकता हूँ। ये लोकेशन किधर जा? पैनिक कर गया मैं तो ज्यादा। ये बॉस जी, बॉस नहीं, ये बंदा जिधर खड़ा है ना उधर आसपास ज्यादा एरिया नहीं है जहाँ पे उसका एक्स पहुंच नहीं सकता, तो उसका एक्स भी अच्छा होगा। मेरा हील भी गलत रखा हुआ था। ये वो स्लाइम है डार्क सोल्स 3 में भी थे, इनको बहुत कम डैमेज होता है, तो ज्यादा डैमेज करते भी नहीं है बट अनोइंग से रहते हैं। पर देखा जाए क्या है, तो लग रहा है एकदम अच्छे आया हुआ लोकेशन। ट्विन ब्लेड टैलिस्मैन एनहांसेस द फाइनल हिट ऑफ चेन अटैक्स। अच्छा ट्विन ब्लेड मुझे मिला नहीं है बट टीम में है ट्विन, इट विल बी फन टू यूज, ढूंढना पड़ेगा पक्का। लेकिन एक डेक्स वेपन होगा इतना का शौक। Thank you.
मेरे हीलिंग्स वापस आ गए। टार्निश्ड गोल्डन सन, ऐसे कि तुम जाओ गिरना नहीं है, एक्ट करना पड़ेगा। ये मुझे कुछ तो हिलता हुआ दिखा था, एक चूहा है बड़ा सा दादा है। थोड़ा सा अर्ली गेम एरिया तो है नहीं, जबकि अगर तुम गेम के स्टार्ट में भी इधर आ सकते हो सीधा। डेफिनेटली अर्ली गेम तो नहीं है, लेकिन ऐसा डैमेज कर रहा है उससे। डेक्सटेरिटी, अच्छा मैं वो चार्म लगा के इसे यूज कर सकता हूँ। क्या है 100 डैमेज प्लस स्पेशल अटैक है, ठीक है। सीम्स लाइक अ डेक्स वेपन, दिखने में भी सही लग रहा है। अपने आर्ट ऑफ वॉर बदल, एशेस ऑफ वॉर, मैं आर्ट ऑफ वॉर बोल। बॉस फाइट है इधर, ठीक है। प्रॉबेबली वही बॉस होगा जिसकी मुझे तलाश थी, के पास वो लेजेंडरी वेपन है। बाकी यहाँ का जो साइड मिशन करने के लिए मुझे वो बंदा नहीं मिला, यहाँ का जो गवर्नर है, गवर्नर नहीं कमांडर सॉरी, प्रॉबेबली कैसल के अंदर होगा। मैंने उसे बाईपास कर दिया होगा, तो मुझे मैं जा रहा हूँ बॉस फाइट करने, तुमसे बांधने लग। हीलिंग थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, बॉस फाइट में हील करना वो ज़्यादा गैप नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं लग रहा उतना टफ होना चाहिए। एक दो अटेम्प्ट्स में हो जाए, ये हेल्थ पूल इतनी ज़्यादा नहीं है एंड वो स्टन भी हो रहा है।
ग्राफ्टेड ग्रेट ब्लेड, ओके नाइस। मुझे पता था कि इधर एक ये है लेजेंडरी वेपन, बट मैं सोचा कि इसके हाथ में तो लेजेंडरी वेपन दिख नहीं रहा है। कौन सा स्ट्रैट्स देखे जाए, आए होंगे पक्का। उस इतना टफ नहीं था लेकिन और कुछ नहीं अच्छा था। फोर्टी और डेक्स चाहिए 14, डेक्स 14 में भी इसका 157 प्लस 62। अच्छा ऑलरेडी काफ़ी हाई डैमेज है। एक्चुअली इसका वेट इससे कम है और क्राई, एंड इसके पास कुछ यूनिक सा ये भी है एश ऑफ वेयर एन ओथ अपॉन द ग्रेट सॉर्ड टू अवेंज द क्लाइंट टेम्पररी रेजिंग ऑल एट्रीब्यूट फॉर अ सर्टन ड्यूरेशन वाइल द इफेक्ट्स आर एक्टिव वॉइस विल ऑल्सो बी इंक्रीज। यानी कि अपन बेसिकली स्टन नहीं। दिखने में काफी सही। प्रॉब्लम मैं इसे डबल हैंड यूज कर सकता हूँ। दैट अटैक इज नाइस। इसे सिंगल हैंड यूज करूंगा तो इसके फुल इफेक्ट दिखेगा नहीं। थोड़ा सा कम है चोमू को मारते हैं एंड अच्छा मैं आर्ट ऑफ वॉर भी यूज नहीं कर सकता इसका क्योंकि स्टैट्स कंप्लीटेड नहीं है। डैमेज कम क्यों हो रहा है? डैमेज डेफिनेटली कम हो रहा था। मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा। उधर नीचे ठीक है चीज है, लेकिन यहाँ वो मिला मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। काफी सारी चीजें मिली, विक मिली, वो मिली, क्लेमोर मिला, क्लेमोर किधर गया ये रहा, एंड एक लेजेंडरी सॉर्ड भी मिला। एक्चुअली मैंने जस्ट नोटिस किया इसका वेपन डिजाइन ऐसे लग रहा है छोटे 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 दूसरे तलवार्स एंड डैगर्स को उस पर धसा के बनाया गया। मैं ढूंढ रहा था मैं इसको अभी यूज कर सकता हूँ। 8 dex और 16 स्ट्रेंथ। एक्चुअली ऐसा स्ट्रेंथ बेस्ड ज्यादा है ये लाइट वो
जरूरत पड़ी तो यूज कर सकते हैं। उस कौन से लगता है बोल्ट? मेरे पास एरोज नहीं है क्या? है तो एरोज ही रहे, ग्रेट एरोज प्रॉबेबली चला नहीं सकता, फायर एरोज एंड एरोज इधर लगाने पड़ेंगे ये एरोज, इसको दूसरे हाथ में लगाना पड़ेगा। मैं वो यूजुअली यूज करता नहीं हूँ डार्क सोल्स से, इसलिए मुझे आदत नहीं है। तो यूज हो जाना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? तेरे पीप पे पड़े एरोस, फायर एरोस। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा एरोस कैसे यूज करने समझ, बट मुझे लग रहा है अच्छे चंक ऑफ एचपी जा रहा है दूसरे एनिमीज को, थोड़ा सा ये करने के लिए कि एचपी कम करने के लिए अच्छा रहेगा ये। तो वापस चलते हैं, आई गेस यहाँ का एक काम हो गया, कैसल मोन जो बचा हुआ है उसे एक्सप्लोर करते हैं। गलत जगह टेलीपोर्ट कर दिया मैंने, यहां से भी नहीं जा सकता। क्या मैं उधर जंप मार सकता हूं? Those hideous mongrels eat me, I will be forever me. Nothing but that beast. इसे पता नहीं कि ये मर चुके ये भूत। HP का ये मैंने मिस कैसे कर दिया था? एक्चुअली वही लोकेशन है क्या? हो गया था, हम स्टार्ट में जाना पड़ेगा बचे हुए कैसल को एक्सप्लोर। मैं बीच का जो हिस्सा है ना जहाँ से अपन स्टार्टिंग से जो पार किया था वो मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा, फिर वो लोकेशन जहाँ से अपना रूट चेंज हुआ है ना वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले बार अपन यहाँ से अंदर गए थे, पर मैं इस तरफ या फिर भी सीढ़ियाँ कोने
फ्लैग वॉच क्लाइंब तो पिछले बार अपन ने सामने की तरफ जो सीढ़ियां थी ना वो ली थी एक्चुअली। अब यहाँ पे वो उड़ने वाला अनोइंग एनिमीज मैं वहां से ऊपर से ड्रॉप कर इधर आने बार इतनी दिक्कत नहीं थी। इस बार मेरा वेपन अलग था, रेंज बहुत कम। आई बेट की अगर लॉन्ग शॉट होगा तो इतनी भी मुश्किल। यहां से कूदे थे अपन उधर जा सकते। ये रास्ता क्या? अबे कुछ लूट है जाके लेके आते जब। वेथिंग स्टोन कितना भी मिले कभी कम नहीं लगेगा। यही यूज होता है वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए। एंड जितने ज्यादा स्मृति आप उतने ज्यादा एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स कर सकते। पम्पकिन नाइट बैठा हुआ है नीचे। पर्सनली मुझे लग रहा था कि पम्पकिन नाइट ज्यादा ताकतवर, बट उनके सर को छोड़ के तुम बॉडी पे मारो के अच्छा खासा डैमेज होता है। यूजली उल्टा होता है, सर पे ज्यादा डैमेज होता है, बस सर उल्टा होता है। इसकी आर्मर इसी का पहन रखा है ठीक ही जैसा। आगे और लड़ाई चल रही है। मैंने अभी तक इनमें से किसी को भी एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखा, बस लड़ते ही रहते। थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखते ही मारते हैं कि नहीं। मुझे लग रहा सोल्जर जीत जाएगा शायद। देखिए 15-15 डैमेज का वो 16 कर रहे हैं 15। वापस स्टार्टिंग एरिया पे ड्रॉप करो तो भाई यही से तो आए, मेन गेट यही है। बीच में काफी सारे बैठे हुए एनिमीज। ओ ये रहा कमांडर की।
आई थिंक कैसल गॉन फिर ऑफिशियली खत्म हो गया, पूरा एक्सप्लोर कर लिया बने, कुछ बचा नहीं है। There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrig himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gained me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this by way of apology. Sacrificial Twiggy आप यूज कर सकते हो, तो अगर आप मरे तो इंस्टेड ऑफ आपके रूइंस गिरने के बजाय ये वहां पे गिर जाएगा, आपके रूइंस बच जाएंगे, बेसिकली आपके सोल्स बच जाएंगे। I see. From Arena. Thank you. I mean, you're dead, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. Treasure. If you see Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. If you see Irina, her father will come for. Okay, so that's it. एक इसने अपन को हिंट दिया कि तो कोई ट्रेजर्ड सॉ या फिर हो सकता है सॉर्ड इसी के पास हो, बट मैं इसे मारना नहीं चाहता, तब तो सॉर्ड इसी के पास हो क्योंकि इसने बोला ना कि आई मस्ट प्रोटेक्ट करके तभी ये इधर बैठा हूँ। पता नहीं आगे ये कहीं पर मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैं इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि आगे और प्रूफ वेपन ऑफ जरीना के पास जाते, उसको पता कि अपन ने लेटर दे दिया। बाकी आई थिंक कैसल मॉन पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। एग्जैक्टली मैंने ऐसा सोचा था, एक एपिसोड बनाएंगे एक घंटे का, पूरा एक्सप्लोर करके खत्म करके अपन को बॉस फाइट था वो भी कर लिया, उतना टफ नहीं था, इजी सा बॉस फाइट था। पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेस अप कर दिया, सेकंड अटेम्प्ट में किधर बैठी हो ब्रिज के भी बाहर के साइड, मुझे ये भी नहीं पता कि वो अभी उधर मिलेंगी। यहाँ पे थी तो इसको किसी ने पेल दिया क्या तेरी? यप भैया भी इसे फेल के चले गए। ये बात अपन वापस इसके बाप को बता सकते हैं क्या, तब इनकी पूरी खत्म हो। Thanks to you, I will be reunited with Arena and devote my remaining days to her. Arena has a gentle nature though. I only hope it remains intact. उसे बता क्यों नहीं रहा है वो मर गया है, मर गई है। मुझे लग रहा है डायलॉग इसलिए चेंज हो क्योंकि अपन ने बॉस को हराया, बट अपन इसे पहली बार मिलने आए थे ना तब अलग डायलॉग था, दूसरी बार आए तो अलग डायलॉग है। Thanks to you and devote my Marina has a I only hope it remains intact. Thanks to you and devote my Marina has a gentle I only hope it rem- I think that's it. ये था इनका स्टोरीलाइन, खत्म हो गया। तो सॉर्ड भी नहीं मिली, सॉर्ड किधर है? इसी के पास आई थी, मैं इसे मारना नहीं चाहता, बट अभी एक बार चेक करना पड़ेगा कि इनका स्टोरी लाइन का द एंड क्या है। हो सकता है ये बंदा अपन को आगे कहीं भी न्यूज। आज का एपिसोड यहीं पे रैप अप करते हैं। तो अपन ने कैसल मॉर्न पूरा कंप्लीट कर दिया है,
एट दिस मोमेंट मुझे ये नहीं पता कि अपन स्टॉर्महिल कैसल पे किधर होने वाले हैं, क्योंकि उसके एपिसोड इसके बीचों बीच आने वाले हैं आगे पीछे। तो वो अपन कंटिन्यू करेंगे स्टॉर्महिल कैसल का पहला बॉस फाइट करेंगे, एंड वो कैसल इससे ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तो आप मैप के साइज़ के हिसाब से देख सकते हो ये पूरा वो कैसल है, एंड उसके अलावा क्योंकि वो मेजर स्टोरी का एक मेजर पार्ट है। ये लोकेशन ये देखो इसका साइज क्या है एंड उसका डिफरेंस पता चलता। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।